नमस्कार, मैं प्रशांत आंगरे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है एशियन प्राइम टाइम में। लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। नमस्कार, मैं हूं अरुण कौशिक और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट, अपराध जगत का डेली पर्दाफाश। इससे पहले कि अपराध जगत की खबरों के साथ आगे बढ़ें, एक नजर आज के अपराध जगत की हेडलाइंस पर। लुटेरा दूल्हा पहुंचा, हवालात, ऑनलाइन पर दूल्हा ढूंढने वाली लड़कियों को बनाता था शिकार। धरे गए हथियारों के तस्कर, चुनावों में आए थे गड़बड़ी फैलाने। और पुलिस ने दबोची पुलिस की गर्दन, धरे गए नकली पुलिस वाले। अब आगे बढ़ते हैं अपराध जगत की खबरों के साथ। इन लुटेरों ने पूरी प्लानिंग की थी और इनकी प्लानिंग पूरी तरह से कामयाब भी हो गई थी, लेकिन इनकी तकदीर देखिए कि वारदात को अंजाम देने के बाद ये मुंबई छोड़ ही नहीं पाए। उससे पहले ही पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। मुंबई के जोगेश्वरी स्थित वैशाली नगर में इकरा ज्वेलर्स के मालिक दोपहर के वक्त जब नमाज अदा करने मस्जिद में गए थे कि इसी बीच उनकी दुकान में काम करने वाला कारीगर मुकेश वैष्णव की नियत घूम गई, जिसके बाद उसने अपने ममेरे भाई रवि वैष्णव के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से ज्वेलरी शॉप में जमकर लूटपाट की। जुम्मे के दिन ओशिवारा पुलिस स्टेशन के हद में इकरा ज्वेलर्स करके खालिद अहमद इनका शॉप था ज्वेलरी का, वहाँ पर 1 से 2 बजे के दरमियान इनिशियली ऐसे पता चला कि 2 लोग आए तो ज्वेलरी गिरवी रखने के बहाने जो वहाँ पर जो वर्कर था उसको जख्मी करके पूरा जेवरात जो है वहाँ से लूट के लेके गए। वारदात को अंजाम देने के बाद मुकेश ने दुकान में रखे चाकू से अपने ही ऊपर हमला कर लिया और अपना मुंह बांधकर दुकान में बेहोशी का नाटक करने लगा ताकि उसकी इस करतूत पर किसी को भी शक ना हो। उसके बाद मुकेश का ममेरा भाई रवि दुकान में रखे सारे गहने और नकदी के साथ साथ दुकान में लगी सीसीटीवी का मशीन भी लेकर फरार हो गया। मुकेश जो है ये खुद इंजर्ड था, लेकिन इनसे 2-4 पुलिस ऑफिसर्स ने जब अलग अलग इंट्रोगेशन किया तो उसके जबानी में थोड़े से डिफरेंसेस आने लगे, तो इस पे से उसके भी ऊपर थोड़ा सा शक था, लेकिन चूंकि वो भी जख्मी था तो अचानक से वही पार्ट ऑफ द गेम था ये कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट अभी जीरोड इन मतलब उसको भी हमने संशय की नज़र से थोड़ा सा देखा, उसके आजू बाजू का उसका बैकग्राउंड और ये सब जब पता किया तब ये जो शक है वो थोड़ा सा बढ़ते गया, क्योंकि जो मालिक था खालिद अहमद ये जब जुम्मे को 1 घंटे के करीब नमाज को जाता था तो शॉप में ये अकेला वर्कर रहता था, तो आउट ऑफ ग्रीड ही प्लान्ड कि इसका जो ममेरा भाई है रवि वैष्णव राजसमंद ज़िले का उसको उसने बुला लिया और ये सब प्लान किया, उसने खुद ही ने खुद को चाकू के वार इन्फ्लिक्ट किए, खुद का मुंह बांध लिया और ये सब पूरा प्लानिंग और ड्रामा करके जो उसका भाई था कज़िन भाई रवि वैष्णव ये सारा जेवरात और डीवीआर, क्योंकि उसको उसी को पता था कि वो डीवीआर भी कहाँ रखा हुआ है सीसीटीवी का, वो सब लेके वो राजसमंद चला गया था। मस्जिद से लौटने के बाद जब एकरा ज्वेलर्स का मालिक अपनी दुकान पर पहुंचा तो नौकर को बेहोश और अपनी लूटी हुई दुकान देख उसके होश फाख्ता हो गए। आनन फानन में उन्होंने इस बात की जानकारी
ओशिवरा पुलिस को दी। ओशिवरा पुलिस ने मुकेश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी से जब ओशिवरा पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो चौंकाने वाला राज सामने आया। एकरा ज्वेलर्स में काम करने वाले मुकेश को कम समय में ज्यादा रुपए कमाने की चाह थी, इसलिए मुकेश अपने ममेरे भाई रवि को राजस्थान से मुंबई बुलाया और फिर 11 अप्रैल को रवि दुकान में आया और उसके बाद मुकेश और रवि ने मिलकर ज्वेलरी शॉप में जमकर लूटपाट की। लूटा गया सामान तकरीबन 2 किलो के आसपास था, जबकि लूटी गई नकदी करीब 2 लाख के आसपास बताई जा रही है। पूरा जेवरात जो है रफली 2 किलो के मतलब 56 लाख रुपए के जिसका एस्टिमेट किया वो 2 लाख रुपए की कैश, ऐसे टोटल 58 लाख रुपए का एवज वहां से लूट के लेके गया। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद रवि मुंबई से राजस्थान की ओर पलायन कर गया, लेकिन मुखबिर द्वारा मिली गुप्त सूचना के बाद मुंबई पुलिस ने उसे राजस्थान से आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। इसका पूरा डिटेल तफ्तीश किया, ये सारा जो वर्कर था जो जख्मी हो गया था मुकेश वैष्णव, उसके इंट्रोगेशन में जो मालिक है खालिद अहमद उनके इंट्रोगेशन में और आजू बाजू के तफ्तीश में पता चलते गया और थोड़ा सा कुछ टेक्निकल एनालिसिस करके ये पता चला कि एक दो लोग इसमें इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। अकॉर्डिंगली हमारी टीम ओशिवरा पुलिस स्टेशन की राजस्थान के राजसमंद ज़िले में इमीडिएटली रवाना होगी। वहाँ पर भी कुछ लोकल इन्फॉर्मर्स और यहाँ के ओशिवरा के कुछ इन्फॉर्मर्स के कॉम्बिनेशन के थ्रू वहाँ पर एक बंदे को वहाँ पर गिरफ्त में लिया गया, रवि वैष्णव। उसके डिटेल इंट्रोगेशन में उसने ये गुने की कबूली दी और घर से उसके सारी ये जेवरात और कैश ऑलमोस्ट जैसे के वैसे बरामद हुई है। मुकेश इज द की कॉन्स्पिरेटर, उसी ने ये सब प्लान किया और उसके भाई को कजिन को राजसमंद से यहाँ बुलाया ये प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए। उनका बाद में बंटवारा तो अभी होने का ही था जबकि इमीडिएटली पुलिस ने रेड करके ये सारा हिरासत में ले लिया। अपने गुनाह को छिपाने और पुलिस की पकड़ में न आने के लिए मुकेश और रवि ने पुरजोर कोशिश की, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें धरी की धरी रह गई। रवि को शायद ये पता ही नहीं था कि आरोपी कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन वारदात के बाद वो अपने गुनाह के निशान अवश्य छोड़ जाता है। क्राइम डेस्क के साथ प्रकाश मिस्त्री, लमन न्यूज, मुंबई। अगर आप जवान हैं, खूबसूरत हैं और ऑनलाइन दूल्हा ढूंढ रही हैं तो होशियार हो जाइए, यह खबर आपके होश उड़ा देगी, क्योंकि पुलिस के हाथ एक ऐसा शातिर दूल्हा लगा है जो लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनकी मेहनत की गाड़ी कमाई लेकर फरार हो जाया करता था। अगर आप ऑनलाइन शादी करना चाहती हैं और भागम भाग भरे जिंदगी में झटपट दूल्हा चाहती हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये भी हो सकता है कि ऑनलाइन दूल्हा ठग या फिर कोई लुटेरा हो। चौंकिए मत, हम सच कह रहे हैं। पुलिस के हाथ एक ऐसा शातिर दूल्हा लगा है जो अखबारों में छपे इश्तहार देखकर लड़कियों की पूरी जानकारी हासिल कर लेता, फिर विज्ञापन में छपे नंबर पर कॉल करता, लड़की के परिजनों से मिलने का समय लेता और जब उनसे मिलने जाता अपने आप को बड़े खानदान का रईस बिजनेसमैन बताता और जब एक बार मुलाकात हो जाती फिर अपने प्लान के तहत लड़की को बाहर मिलने के लिए बुलाता और जेवरात पहनकर आने के लिए बोलता ताकि वो लड़की को अपने परिजनों से मिलवा सके। और एक बार जब लड़की गहने पहनकर उससे मिल लेती तो मौका देखकर वे लड़की के जेवरात उतार कर फरार हो जाता। इस शातिर का नाम है प्रशांत मंजीरे। 7 मार्च को शिवाजी पार्क पुलिस में एक कंप्लेंट दाखिल हुई है जिसमें एक महिला है 25 साल जिसकी जिनकी उम्र थी, उन्होंने कंप्लेंट दाखिल की कि उसने एक लोकसत्ता न्यूज़पेपर में विज्ञापन दिया था शादी के लिए, जो विज्ञापन देते हैं मैरिज ब्यूरो का, उसमें उसने उसका फ़ोन नंबर दिया था
उसी फ़ोन नंबर पे मनोज वानगी नामक के इसम ने कांटेक्ट किया था और उसने उसको कोतवाल गार्डन इलाके में उसको बुलाया था। उसके बाद में भगवान का दर्शन करने के बहाने, फिर घूमने के बहाने उसको बाहर लेके गया और उसके जो जेवरात थे जेवरात उसने निकाल लिए थे और उसको चीट करके भाग गया था। यूं तो ये शातिर हर शिकार से पहले अपना नाम और पता बदल लेता है। थाने की एक युवती को अपने जाल में फांस कर इसने लूट लिया था, लेकिन इस बार इसके खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई। पुलिस भी हरकत में आई और एक टिप पर पुलिस ने दादर के श्री कृष्ण लॉज पर छापा मारा और बदमाश दूल्हे को दबोच लिया गया। उसके बारे में पुलिस ने एक चीटिंग का ऑफेंस दाखिल किया था। उसके बाद हमने दूसरा एक ऑफेंस सेम मोडस का हमने दाखिल किया था और फिर बाद में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन थी, हमारे पास जो टेक्निकल नॉलेज था, टेक्निकल हमारे पास जो एविडेंस था, उसके बलबूते पे हमने एक प्रशांत मंजिरे नामक का आरोपी हमने यहाँ पे निष्पन्न किया है और उसको हमने श्रीकृष्ण लॉज दादर वेस्ट के इलाके से उसको अरेस्ट किया है और उससे हमने 110 ग्राम का सोना हमने जब्त करवाया है जिसने माहिम के एक ज्वेलर के पास बेचा था, वो हमने जब्त करके हमने रिकवर किया है। और मुझे उम्मीद है कि और भी ऐसी महिला के साथ उसने ऐसी चीटिंग किया होगा तो और महिला इसके सामने आएगी और कंप्लेंट दाखिल करेगी। एक बार जब यह शातिर दूल्हा पुलिस के शिकंजे में फंसा तो एक और महिला पुलिस थाने आ पहुंची और लुटेरे की शिनाख्त कर ली। पुलिस अब इस लुटेरे दूल्हे का आपराधिक बहीखाता तैयार कर रही है और अपने स्टाइल में ये जानने की जुगत में लगी है कि अपने इस मॉडस ऑपरेंटी का सहारा लेकर लुटेरे प्रशांत मंजिरे ने अब तक कितनी युवतियों को अपना शिकार बनाया है। क्राइम रिपोर्ट के लिए मुंबई से रवि शर्मा, लेमन न्यूज। कैसे और कहां पहुंचा कार चोरों का गिरोह सलाखों के पीछे, दिखाएंगे मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज विचार केला पाहिजे सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर उत्तम शिक्षण घेतलं आता वेळ आलेली आहे हातामध्ये भगवा घेऊन पाऊल पुढे टाकायचं। 100 दिवसात महागाई कमी करू म्हणून केंद्राचं सरकार पत्रावर आलं, केली महागाई कमी गावामध्ये ब्रेक के बाद क्राइम रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत। जी हां, चुनावों के दौरान अगर हथियारों की तस्करी हो रही हो तो यह गंभीर विषय है, खासकर पुलिस के लिए। जी हां, नई मुंबई पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को दबोचा है, लेकिन इसके बाद पुलिस के हाथ पांव फूलने लाजमी थे क्योंकि इनके कब्जे से इम्पोर्टेड हथियार जब्त हुए हैं। हथकड़ियों में जकड़े इन बदमाशों का नाम है गणेश किने उर्फ शत्रुघ्न और परेश सुनील रुखड़े। ये दोनों बदमाश उस अंतर्राज्यीय गिरोह के प्यादे हैं जो मुंबई, नवी मुंबई और थाने के कुख्यात अपराधियों को हथियार मुहैया करवाता है। हथियार तस्करी की खबरें पुलिस को मिल रही थी, काफ़ी समय से मिल रही थी, लेकिन पुलिस के पास अगर कुछ नहीं था तो कोई सुराग। चुनावों के कारण सूबे की सुरक्षा बढ़ा दी गई और हर अनजान शख्स की तलाशी शुरू की गई। इस बार इस कुख्यात गिरोह के प्यादों के नसीब ने इनका साथ नहीं दिया और दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए। एक इंफॉर्मेशन मिला कि एक कोई 2 किस्म वेपन्स बेचने के लिए उनके इलाके में कई होटल रॉयल पार्क के दीघा में वहाँ आने वाले हैं। ये इंफॉर्मेशन मिलने के बाद उन्होंने अपने स्टाफ जो है पुलिस निरीक्षक श्री पवार एंड 2 API श्री खताड़ एंड गावड़े, इन दोनों को अपने टीम के साथ वहाँ भेजा था। 12:30 बजे से वहाँ
व्यक्ति के बाद तकरीबन 2:30 बजे के दरमियान दो इनकम एक मोटरसाइकिल फिर वहाँ आए। उन लोगों को कब्जे में हिरासत में लेने के बाद पूछताछ किया, उसका भर्ती लिया बंच के सामने, तो उसमें उन दोनों के पास दो एकंस मिले। इन दोनों की गतिविधियों पर जब पुलिस को शक हुआ तो इनकी तलाशी ली गई और इनके कब्जे से पुलिस ने एक विदेशी पिस्टल और एक देसी रिवॉल्वर बरामद की। इसमें एक फॉरेन बनावट का है और एक देसी कट्टा है, दोनों को गिरफ्तार किया है। तो एक का नाम है शत्रुघ्न उर्फ सत्या गणेश केनी और दूसरा है सुनील परेश सुनील रोखाड़े, एक भिवंडी का है और दूसरा कड़वा का है। दोनों के पास दो वेपन मिले और एक राउंड भी मिला है, तो वेपन राउंड के साथ उनको अरेस्ट कर लिया। आज कोर्ट ने उसको पोस्ट किया, 2 दिन की पेशी कोर्ट ने ग्रहण कर ली है, उसका मोटरसाइकिल भी सीज किया है। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता कर रही है कि किसको बेचने के लिए आए थे। इम्पोर्टेड पिस्टल मिलने से पुलिस के भी कान खड़े हो गए। पुलिस इस गिरोह के सरगना को तो तलाश ही रही है, साथ ही अब ये पता लगाने में लगी है कि चुनावों के दौरान विदेशी पिस्टल किसने मंगवाई थी और उसका मकसद क्या था। क्राइम रिपोर्ट के लिए नवी मुंबई से गोपाल शाह, लेमन न्यूज। कार चोरों का ये अंतर्राज्य गिरोह सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर लेकर ही कार चोरी किया करता। पहले ऑर्डर लेते और उसके बाद अपना टारगेट फिक्स करते और उसी रंग की कार चोरी करते और माल ठिकाने पर पहुंचाते। लेकिन जब इन्हें कोई कार चोरी करने का मौका नहीं मिला तो इन्होंने कार लूटने की प्लानिंग की, लेकिन इनकी तकदीर इनका साथ छोड़ गई। पुलिस के गिरफ्त में फंसे ये चार प्यादे उस कार चोर गिरोह के हैं जिसने मुंबई, नवी मुंबई सहित देश के कई शहरों और कस्बों में अपना जाल बिछा रखा है। महंगी गाड़ियों का ये गैंग पहले ऑर्डर लेता है, ग्राहक से बतावा पेशगी मोटी रकम ली जाती है और चंद दिनों के भीतर ग्राहक के मनपसंद रंग की कार देने का दावा करती है और उसके बाद अपना टारगेट फिक्स करती है। ऑर्डर लिए रंग की कार की तलाश की जाती है और कार की शिनाख्त होने के बाद मास्टर की मदद से कार चुरा ली जाती है और इसके बाद कार का नंबर प्लेट, चेसिस नंबर और डॉक्यूमेंट बदल कर को माल पहुंचा दिया जाता है। लेकिन इस बार इस गैंग को कोई चोरी की कार नहीं मिली, सो इन्होंने कार लूटने का प्लान बनाया। इन्होंने नवी मुंबई के सुनसान इलाके में एक कार को रोका, ड्राइवर को मारपीट कर भगा दिया और कार लूट कर फरार हो गए। 12 तारीख के पहले कैस्ट्रोल कंपनी ने, उन्होंने जो नया गाड़ी खरीद लिया था इनोवा टॉप मॉडल का 16 लाख का गाड़ी था, उन्होंने सीपी साहब के जो आह्वान किया था उसके वजह से जीपीआर सिस्टम उन्होंने बिठा दिया। वो बिठा देने के बाद 4 दिन में वो गाड़ी में लूटमार हुई, 5 लोगों ने दरोड़ा डाल के वो गाड़ी लूट के सोमाट ने इधर से कोन के परिसर में से गाड़ी ओल्ड एक्सप्रेस हाईवे से जो कंप्लेनेंट है मुकुंद महादेव सावंत उसको मार के एक जंगल में खोपोली के बाजू में छोड़ दिया और वो इनोवा गाड़ी लेके वो पुणे की तरफ भाग गए। कार मालिक ने ताबड़तोड़ नजदीक के न्यू पनवेल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस भी हरकत में आ गई और जब कार मालिक ने पुलिस को बताया कि उसकी कार में GPRS डिवाइस लगा है तो पुलिस वालों की आंखों में चमक आ गई। लुटेरों को ये बात पता नहीं थी कि कार में GPRS लगा है और चंद घंटों की भागदौड़ के बाद बदमाशों को दबोच लिया गया। पुलिस को GPRS से बदमाशों की लोकेशन मिल रही थी। GPRS सिस्टम नया चालू था पर बीच में चालू थी बंद होती थी चालू थी भी कंटिन्यू। जब 7:20 में चालू हो गई तो हमने वो एक्यूज को इस्लामपुर पुलिस सांगली पुलिस के मदद से या पाटिल के मदद से तुरंत उसको 4 आरोपी को, क्योंकि इधर से हम तो 6 घंटा 7 घंटा तो नहीं पहुंच सकता है, लेकिन सांगली कंट्रोल